कल मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जहां पर मैं आप लोगों को बोला था कि नया पैकेज का रूल होने वाला है 29 दिसंबर से, जहां में आपको मिलेंगे कुछ फ्री चैनल्स जिसमें फ्री नाम ही से फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको 150 रुपीज तक पे करना होगा आपके केबल ऑपरेटर को। फिर उसके बाद हर एक चैनल को एक पर चैनल आपको पे करना होगा एवरी चैनल हिसाब से। पर कुछ बैंडल पैकेज जैसे कि पहले आते थे वो नहीं आएंगे, पर चैनल के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर उसी हिसाब से जो चैनल आप देखेंगे उसमें ही आपको पे करना होगा। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए, मैंने आई बटन पे दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं क्या बात करने का, ऑल द न्यू चैनल्स रेट केबल टीवी। मैंने कल ही बोला था कि जैसे ही मुझे मिल जाएंगे फुल का चैनल कैटेगरी, पर चैनल कितना प्राइस होने वाला है, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो में मैं जी स्टार सोनी कलर्स सबका जो पर चैनल का रेट कितना होगा, कितना आपको पे करना होगा, कितना केबल ऑपरेटर को मिलेंगे, कितना कंपनी को मिलेंगे, सब इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और ये जो रेट सभी डीटीएच सभी केबल ऑपरेटर एवरी ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया ये सेम प्राइस होगा एज पर एज द ट्राई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय आई एम सोमनाथ, यू आर वॉचिंग सोम टिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ जी से। तो देखो भाई, जी का जो ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे जो मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं जी में। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द चैनल है, चैनल कैटेगरी है, लैंग्वेज है, मैक्सिमम एमआरपी फॉर सब्सक्राइबर पर मंथ अलग कट बेसिस पर चैनल बेसिस ये चार्ज है। इस चैनल का एक कोड भी है NTBGTB01, वो इस हिसाब से जो कोड है इस कोड में वो लोग एक्टिव करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया कितने लोग कितना चैनल सब्सक्राइब किया वो सबको पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी टीवी से। सबसे हाई एंड प्राइस है 19 रुपीज़, मैंने कल ही बोला था 2 रुपीज़ से 19 रुपीज़ के मैक्सिमम 19 रुपीज़ ही होगा किसी भी एक सिंगल चैनल को। तो जी टीवी का 19, NTV का 12, जी अनमोल का 1, ये जो जी अनमोल DD का फ्री, DT डिश टीवी जो फ्री, DTH दूरदर्शन का होता है उसमें मिल जाते फ्री में, तो यहाँ पर 1 रुपये ले रहा है। तो बिग मैजिक 1 रुपये ले रहा है। जो जो फ्री चैनल है जो मिलता था पहले DD डायरेक्ट टू होम सर्विस में, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसमें 1-2 रुपये करके चार्ज लगा रहे। जी सिनेमा 19 रुपीज़, एन पिक्चर 2-3, 1 रुपये, जी न्यूज़ में 50 पैसा। ये क्यों पैसा ले रहे हैं मुझे पता नहीं, 50 पैसा दिक्कत आ रहा है कस्टमर को ये सब स्टार्ट करने के बाद। तो 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके फुल लिस्ट है। तो यहाँ पर जी कैफे भी है, जी बंगला लोकल जो चैनल है रीजनल, यहाँ पर देखिए मेन चैनल है 19 रुपीज़, मतलब GTV हिंदी का मेन चैनल है, ये बंगाली का मेन चैनल है उसका 19 रुपीज़। मतलब ये लोग एक दूसरे से इसको नोटिस किया कौन कितना लोग कौन कौन चैनल देखते, जिसका TRP हाई था उसी चैनल को इन लोगों ने प्राइस हाई कर दिया है। तो सिनेमा या मूवीज सब कुछ, या पर न्यूज़ चैनल में भी 50 पैसा ले रहा है। तो न्यूज़ चैनल में पैसा लेना का क्या ज़रूरत, मुझे नहीं पता न्यूज़ देखने के लिए 50 पैसे, 50 पैसे भी क्यों ना दे, इसको फ्री क्यों नहीं किया ये भी मुझे नहीं पता कि फ्री क्यों नहीं किया है। मतलब ये लोग शायद ट्रैक करना चाहते कि कितने लोग हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया एक आला कट विशिष्ट चैनल। तो मैंने इस वीडियो में ख़त्म हो जाने के बाद आपको कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर मैं ये सब PDF जहाँ पर ये फुल्ली लिस्ट है चैनल का मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास भी रख सकते हैं कितना चार्ज है कितना ना है, आप फुल जो टर्म्स कंडीशन पहले सब चेक कर सकते। यह एक सेकेंड है बकेट, यहाँ पर देखिए बकेट पैक जी ग्रुप चैनल, बकेट का नाम भी कुछ ही लोग से दिया है, जी फैमिली पैक हिंदी HD, HD मीन्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो पुराना TV है HD मीन्स LED और स्मार्ट TV। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों ने 45 रुपीज़ का बकेट या सम चैनल ग्रुप ऑफ चैनल क्रिएट किया जी का लिए ही है, और जी के साथ स्टार ये कंबाइन नहीं होंगे। तो इसमें फ़ायदा एक ही फ़ायदा है, देखिए स्टार में कुछ दिन पहले सोनी का कुछ चैनल बंद हो गया था, हर रोज़ केबल ऑपरेटर का एक चक्कर चल रहा था, आज ये चैनल बंद हो कर वो चैनल बंद, लेकिन ये अप्लाई हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि कस्टमर पे कर रहा है हर एक चैनल चूज़ करके चुन चुन के पे कर रहा है, तो इसीलिए बंद नहीं हो सकता क्योंकि केबल ऑपरेटर के हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेंगे, सब सेंट्रलाइज कंट्रोल होंगे। तो यहाँ पर 45 रुपीज़ में जो बकेट आ रहा है GTV, जी अनमोल, जी म्यूजिक, जी
एंड पिक्चर, मतलब जितना जी का नॉर्मली चैनल है, सब राजस्थान न्यूज़, उत्तर प्रदेश, ये सब मिला के एक 24 चैनल के लिए इतना 45 रुपीज़। तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? देखो भाई, 24 रुपीज़ में 45, यानी कि 2 रुपीज़ से भी कम में मैं हम लोग चैनल दे रहा हूँ। ये चैनल का प्राइस 19 रुपीज़ है, तो हम लोग 2 रुपीज़ के कम में इतना चैनल दे रहा हूँ। लेकिन ये 3-4 चैनल को ऊपर का छोड़ के बाकी सब चैनल के 1-2 रुपीज़ ही चार्ज होंगे। तो ये सिर्फ आई वॉस के लिए ही लोग ये सब करने वाला है, सिर्फ जी नहीं, स्टार भी ऐसा करेंगे। और एक है जी ऑल इन वन HD, तो फुल जी चैनल 27 हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से 60 रुपीज़। तो ऐसे करके बहुत सारे ये चैनल का पैकेज इन लोगों ने बना के रखा है, तो मैं लिंक तो जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार के बारे में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सम टिप्स एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर वीडियोस। स्टार का चैनल, और एक बात, यहाँ पर राइट साइड में सेम कैटेगरी, यहाँ पर देखिए 19 रुपीज से का 15 रुपीज है। ये 15 रुपीज जाएंगे स्टार कंपनी के पास, या फिर ये कंपनी का जो रेट है ये सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप जी में भी देख रहे हैं तो उसमें भी 19 रुपीज़ अगर कुछ चैनल का चार्ज है, तो उसमें से 15 रुपीज़ पाएंगे जी और स्टार जो कंपनी ओनर है, बाकी छोड़ के 19 माइनस 15 है क्या, ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ पर चैनल आपका केबल ऑपरेटर यहाँ पे प्रॉफिट करने वाला है। यह पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है ट्राई ने कितना कितने जेब में जाएंगे। तो 19 रुपीज़ से 15 रुपीज़ जा रहे हैं आप, 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब जगह परसेंटेज ऐसे भी परसेंटेज होंगे तो नहीं होंगे, मैं कैलकुलेट करके नहीं देखा, तो शायद हो सकता है इतना परसेंटेज इन लोगों ने बोला है कि इतना परसेंटेज हमको मिलेंगे, इतना परसेंटेज तुमको, और भी ये हो सकता है फिक्स प्राइस कर दिया है। तो ऊपर में कुछ परसेंटेज लिखा नहीं, तो हम लोग ये चल के चल रहे हैं कि ये जो फिक्स प्राइस है फुल फिक्स प्राइस कंपनी मिलेंगे, बाकी इसको इसको माइनस करके जो भी है वो आपका कंपनी या फिर केबल ऑपरेटर, DTH ऑपरेटर, ये सब प्रॉफिट करने वाला है। तो यहाँ पे जो होने वाला है सबका प्रॉफिट होने वाला है, सिर्फ नुकसान किसका होगा, कस्टमर का। तो यहाँ पर स्टार का जो पहला चैनल था, अब तो देख ही लिया कि स्टार प्लस 19, जी जी टीवी 19, तो ऑलमोस्ट जिस चैनल का प्रायोरिटी हाई है उस चैनल का प्राइस भी हाई है। तो पर स्पोर्ट्स चैनल है 19 रुपीज़, स्टार स्पोर्ट्स 1, हिंदी 1, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, तमिल कब से आ गया भाई, कितना चैनल है इन लोगों का, स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स कन्नडा, सच में पता नहीं था इतना चैनल है स्टार स्पोर्ट्स का। एनीवे वो सब 19 रुपीज़ है, बाकी स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट टू 7 रुपीज़। यहाँ पर सिर्फ वही मैच ब्रॉडकास्ट करते जब पहले चैनल पे 1 या 2 में सभी ऑक्यूपाई हो जाते लाइव स्पोर्ट्स में, तब जाके ये स्टार स्पोर्ट्स 2 सिलेक्ट में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट करते, इसीलिए इसका प्राइस कम है। तो यहाँ पर जो नीचे के चैनल स्टार उस सब रिडीव का फ्री चैनल पे मिलता था 1 रुपये देख के, यहाँ पर मिलेंगे। ये सभी इफेक्टिव होने वाला है 1 जनवरी 2019, यहाँ पर लिखा है। तो 29 से सब बंद कर देंगे और फिर उसके बाद जाते जाते 1 जनवरी से सब एप्लीकेबल होंगे। तो 2-3 दिन इसका सर्वर अपग्रेडेशन में लग सकते हैं, इसीलिए ऐसे 29 का हल्ला मचा के रखा है ये लोगों ने। तो यहाँ पर एक मैच होने वाला है 26, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट। तो उसमें शायद अगर ऐसा मामला है 29 से आपका चैनल बंद हो जाएंगे तो आपका लाइव स्पोर्ट्स आप लोग नहीं देख पाएंगे टिल 1 जनवरी। तो यहाँ पर आप देखिए स्टार स्पोर्ट्स फास्ट बॉल के एक चैनल है, उसका प्राइस 1, पता नहीं इन चैनल में क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं ये लोग, इतना चैनल लगा के रखा है, मतलब 36 चैनल, ओ माई गॉड। तो यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स HD भी 19 रुपीज़। सो स्टार में HD और नॉन HD यहाँ पर प्राइस सेम है, लेकिन कुछ जगह स्टार HD या नॉन HD या जी में HD नॉन HD में प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट वहाँ पर था सिर्फ 7 रुपीज़, HD में आ गया तो 10 रुपीज़। तो पीपल विल ऑप्टेड फॉर ₹10 इफ ही हैज HD सेट टॉप बॉक्स। स्टार जलसा मूवीज यहाँ पर जो लोकल HD उसमें भी 19 रुपीज़, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मूवीज चैनल हर महीने मूवीज रिपीट ही करते रहते हैं, फिर यह 19 रुपीज़, ओ माई गॉड। इन लोगों का एक सबक सीखने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोग सभी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि इतना लोग हमारा TRP डाउन हो रहा है। इन लोगों को दो
वही से इन लोगों का नुकसान होगा। एक तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्शन का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा, दूसरा टीआरपी डाउन होने की वजह से एडवर्टाइजमेंट भी कम आएंगे प्राइम टाइम में। तो ऐसे करके हम लोग इस कंपनी को एक सबक सिखा सकते हैं, अगर हम लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे इनको चैनल को, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो सब्सक्राइब मत कीजिए, ऑनलाइन आप मूवी मिल जाएंगे, ज़्यादा हॉस्टल में भी मिल जाएंगे, तो मैं जेन्युइन वे का बात कर रहा हूँ, या फिर पायलट में तो सब जगह मिल जाएंगे, तो उसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन का भी बात कर रहा हूँ, जेन्युइन वे से लीगल वे से जो यहाँ पर मिलता है उसमें भी अगर प्राइस में कंपेयर करेंगे तो इसमें ट्रीवी में ज़्यादा आएंगे। तो बकेट पैक, इन लोगों का भी एक बकेट पैक है जैसे कि जी का है, इन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं टीवी में सुपरस्टार या फिर आइकॉन के कुछ सेलिब्रिटी के साथ, जो 49 रुपीज़ सब लोग यहाँ पर देखे, सब लोग कुछ नहीं, स्टार का मेन स्पोर्ट्स चैनल इसके अंदर डाल दिया है, स्टार प्लस को इसके अंदर डाल दिया है, ये जो स्टार उत्सव भी स्टार भारत ये कम रेट का चैनल है, उत्सव मूवीज भी कम रेट का चैनल है, पता नहीं स्टार गोल्ड है मूवीज ओके है, फिर उसके बावजूद स्टार उत्सव मूवीज का आने का जरूरत क्या था, पुराना पुराना मूवी हर रोज टेलीकास्ट करेंगे और पैसा आपको जेब से लेकर भागेंगे नेशनल ज्योग्राफी चैनल लेके। तो यहाँ पर देखो जो लोग नेशनल ज्योग्राफी पसंद करते हैं तो हो सकते हैं स्टार प्लस आप उन लोगों को पसंद नहीं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती आपके दे रहे हैं फिर 49 दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत ही चूजी है, मतलब टीवी आप ज़रूरत से ही देखते हैं, टाइम पास के लिए नहीं देखते, तो आप हर एक सिंगल चैनल को चूज करके पैकेज बनाइए, तो 49 रुपीज़, ये जो 49 रुपीज़ ऑल जो पैकेज ओवरी पैक प्राइस इज विदाउट GST, उसके साथ 18% GST काउंट करके आपका बिल आएंगे। तो एक बकेट हिंदी प्रीमियम और एक बकेट है जिसमें स्टार पोस स्टार प्लस है, ये और एक दो तीन चैनल शायद एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पर, स्टार पोस 1, 2, 3 यहाँ पर, हाँ सिलेक्ट स्पोर्ट्स फास्ट ये चैनल ऐड कर यहाँ सिर्फ 7 रुपीज़ ये, अगर उसके कंपेयर करेंगे इसका प्राइस 7 रुपीज़ था पहला का लिस्ट में, या भाई ये इसका प्राइस 49 था तो इसका 7 रुपीज़ बनना चाहिए था, लेकिन नहीं ये डायरेक्ट 30 रुपीज़ भर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते कितना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है ये सब बकेट पैक में। तो बकेट पैक से आप दूरी दीजिए, मैंने इस स्टार का भी जो पैक है उस सब को आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखिए इसका रिविजन हुआ इस बकेट लिस्ट का 6 दिसंबर का, ये है जो PDF में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये सब मुझे ऑफिशियल साइट से ही मिला है। तो स्टार हो गया, जी हो गया, अब चलो बात करते हैं सोनी सिक्स में बहुत सारा मैचेस आ रहा है। तो सोनी का जो मराठी है एक्शन ये सब चैनल आप देख सकते हैं, इसका कोड है 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ थे 3.2 रुपीज़ मिलेंगे किसको, मिलेंगे ब्रॉडकास्टर को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते ऑलमोस्ट 20% मिल रहा है जो कंपनी आपको ब्रॉडकास्ट कर रहे है उसको, ना कि चैनल को, मतलब 80% ले रहा है ये लोग, 20% ले रहे हैं वो लोग, जैसे कि यूट्यूब में आते 55-45 का रेशियो सेम यहाँ पर चल रहा है। तो चलो मैं सेट इंडिया या कोई सोनी का मेन चैनल या 19 रुपीज़, जो जो मेन चैनल है उसमें 19 रुपीज़ लगेगा ही लगेगा। तो नेक्स्ट चलो एक स्पोर्ट्स चैनल ही लेते हैं, 5 रुपीज़ सोनी ESPN, ठीक है 10-1 19 रुपीज़, 10-2 15 रुपीज़, 10-3 17 रुपीज़ और सोनी 6 कहा गया भाई। तो ऐसे करके सेट HD 19 रुपीज़, तो सोनी 6 ESPN HD 7 रुपीज़, तो सोनी 6 कहा गया, सोनी 6 यहाँ पर देखिए 6 HD 19 रुपीज़। तो दो तीन अगर स्पोर्ट्स चैनल आप चूज कर लेते तो 19 रुपीज़ करके आपको लगेंगे, सोनी का एक है, स्टार का एक है। तो और एक बात है, अगर आप देखेंगे कि एक साथ दो मैच आएंगे तो एक चैनल पे दो मैच एक साथ तो ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे, तो चैनल स्विच करेंगे तब तो जाकर आपको उस मैच का लाइव स्ट्रीम आपको नहीं मिलेंगे, उसी टाइम आपको क्या करना होगा फिर जाकर और एक चैनल को एक्टिव कर लेना होगा। तो ये बहुत ही घटिया मैं बोलूँगा बहुत ही घटिया डिसीजन है, और जो सब्सक्राइबर है इन लोगों का उनके ऊपर एक पैसा जोर जबरदस्ती इन लोगों का प्राइस बढ़ी रहा है। यहाँ पर देखिए सेट स्टार सोनी का भी एक पैकेज है, जो फर्स्ट पैकेज में कोई स्पोर्ट्स चैनल नहीं आते, नेक्स्ट पैकेज में भी स्पोर्ट्स चैनल नहीं आ रहा है, अब जाके स्पोर्ट्स चैनल आ रहा है जिसका प्राइस है 39 रुपीज़। तो ऐसे मिला के अगर आपको 135 लग रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पर 49 था स्टार का, तो 130 प्लस 40
जीएसटी लगा के 315 रुपीज हो रहा है, तो मिनिमम ये मान के चले 350 तक आपको मिले जाएगा ही आएगा, जहाँ पे जो भी कर लो आप 350 ही आएगा। मैंने तो ओरिजिनल चैनल को यहाँ पे काउंट ही नहीं किया है। तो जो स्टार का एक फंडा है, अगर आप बंगाली में लेते हो 49 पे, वो बंगाली का आएंगे लेकिन स्टार प्लस नहीं आएंगे। अगर आप बंगाली या रीजनल चैनल को छोड़ देते हो तो हिंदी आएंगे, मतलब हिंदी बंगाली एक साथ 49 पे नहीं आएंगे, अभी कोई भी बकेट में नहीं आएंगे, लैंग्वेज स्पेसिफिक को लॉक कर दिया है। तो भाई कस्टमर को तो अब पूरा लगने वाला है और कुछ नहीं। तो लास्ट बचा हुआ है यह न्यूज 18 नेटवर्क, जो कलर्स का वैकम 18 का कंपनी है। तो कलर्स टीवी 9 रुपीस, ये वैकुम 18 प्राइस कम रखा है क्योंकि इसको टीआरपी थोड़ा कम है। एमटीवी 3 रुपीस, कलर्स बांग्ला यहाँ पर रीजनल है 4 रुपीस। तो कलर्स यानी कि न्यूज 18 का जो जो चैनल है उसका प्राइस कम है, न्यूज 18 बंगाली ये पर जो लोकल चैनल है न्यूज 18 गुजराती ये सब 3.82 ऐसे उन लोग सेट किया है। तो कलर्स यानी कि वैकुम 18 का जो है न्यूज 18 नेटवर्क, उन लोगों का परसेंटेज थोड़ा कम है, बाकी सबका परसेंटेज मैं आपको बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए चारों को, चारों पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो के बाद आपको पता चल गया है तो क्या क्या चैनल पे पैकेज में क्या क्या प्राइस होने वाला, आपको कितना चार्ज लगने वाला है। तो एक ही बात मैं बोलूँगा, जो ये बहुत ही एक घटिया डिसीजन है, चार्जेस तो बढ़ ही जाएंगे और फ़ायदा तो दोनों का होंगे, कंपनी और ऑपरेटर को, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। और एक बात देखिए, डीडी का जो वी टू डीटीएच सर्विस है उसमें तो बहुत चैनल फ्री में मिलता था, लेकिन वही फ्री चैनल आपको देने के लिए 130 रुपीज़ प्लस जीएसटी केबल ऑपरेटर को देना होगा, जो सीधे के सीधे डायरेक्ट केबल ऑपरेटर को प्रॉफिट होंगे, फुल केबल ऑपरेटर का प्रॉफिट होंगे। उसके साथ साथ जो जीएसटी मिलेंगे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ऐसा रूल उन लोगों ने नहीं किया। अगर आप गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारा, आप लोग चाहते हो जो चैनल देखना चाहते हो सिर्फ उसके लिए पे करो, तो भाई ठीक है हर एक चैनल के लिए हम लोग पे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन 130 रुपीज़ मैंडेटरी करने किसने बोला? यहाँ पर कस्टमर का फ्रीडम कहा गया, जैसे कि मोबाइल पे होकर करो या ना करो 35 रुपीज़ आपको हर महीना देना होगा, ऐसे भी यहाँ पर 130 रुपीज़ यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये अच्छे दिन तो गया, अच्छे दिन कहीं पे नहीं लगा, ना मोबाइल पे ना इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आईएसपी ब्लॉकिंग, बहुत सारा वेबसाइट ब्लॉक हो रहा है, तो ना ही टीवी पे। तो अच्छा दिन सब जगह से गायब हो रहा है और आपका बुरा दिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड, एंड ये जो पैकेज आप बहुत ध्यान से चुनिए। अगर आप डीडी का फ्री डीटीएच लेने के लिए सोचने आ रहा है कि फ्री डीडी का फ्री डिश, लेकिन अभी वो मत लो, क्योंकि डी फ्री डिश इंक्रिप्शन पॉलिसी चालू कर रहा है, जैसे कि नया MPG 4 बेस्ड जो डीटी सेटअप बॉक्स आएंगे वो लोग सिर्फ 11 कंपनीज के ऑथोराइज दिया है लाइसेंस, यानी कि इंक्रिप्शन, दैट्स मीन DRM प्रोटेक्टेड स्ट्रीम होंगे डीटीएच का, दूरदर्शन का। तो अगर आप प्रेजेंट जो चलेंगे तो उसमें अगर वो लोग इनक्रिप्ट कर देंगे तो आप लोग टीवी नहीं देख पाएंगे डीडी का फ्री डिश। तो अभी वेट कीजिए, नया साल आने तक ये सब जो डिश मार्केट में आ जाएंगे, वो जो कंपनी ऑथोराइज होंगे सिर्फ उसका कंपनी आप का डिश लेंगे, तो गवर्नमेंट को भी ट्रैक हो जाएंगे कितना लोग ये डिश ले रहे, कितना लोग हमको यूज़ कर रहे, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट या कुछ भी हम लोग कितना कस्टमर है हम लोगों के पास, ये सब काउंट करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। तो अभी मत लो, 1000 या 1.5000 आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में लो जब इंक्रिप्शन पॉलिसी आ जाएंगे, तो अभी इसके लिए रुक जाओ। तो बात वही आती है कि भाई ये फ्री चैनल देखने के लिए भी 130 रुपीज़ केबल में क्यों दूँ, ये मुझे नहीं पता है, पता नहीं ये रूल कितना दिन तक चलेंगे, लेकिन 29 दिसंबर के बाद आपका टीवी हो जाना है बंद, जब तक आप लोग नया पैकेज हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपको सब कुछ पता चल गया कि क्या होने वाला है आप केबल टीवी का फ्यूचर, डीटीएच का फ्यूचर। इस वीडियो को एक तो लाइक तो बनता ही है, आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप भी ये सब होने के बाद टीवी देखना पसंद करेंगे या आप इंटरनेट का जो टीवी चल रहा है उसमें मूव करेंगे। आपका ये जवाब का इंतजार मेरा रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलती हूँ नए वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सब्सक्राइब टू सोम टिप्स।